गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे मटेरियल साइंस के अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग और रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। ये सब चीज़ें क्या होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये सारा मटेरियल के अंदर होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेन हार्डनिंग होती क्या है, कोई भी इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मैंने एक रॉड लिए, उस रॉड के ऊपर मैंने क्या किया, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। तो दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उसकी क्या है, उसकी लेंथ के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी लेंथ, मतलब उसकी जो लेंथ है उसमें चेंजेज आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही मैं उसके ऊपर, क्योंकि जब मैं उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो किसी रोड के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो वो क्या होती है, प्लास्टिसिटी डिफॉर्म हो जाएगी। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर से टेंसाइल फोर्स हटाता हूँ तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। रीजन ये है कि वो जो बॉडी है या फिर जो रोड है वो ऑलरेडी क्या है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे मैं, जैसे अपन किसी को टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इंटरनल जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे उस कारण से उसके अंदर जो क्या है, उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये क्या कहलाती है, स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको समझने के लिए अपने एक रॉड लिए, ये अपने सामने एक रॉड है, उसके ऊपर मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं इसके ऊपर तो उसकी क्या होती है, लेंथ के अंदर चेंजेस आते हैं, शुरू हो जाते हैं, मतलब उसकी लेंथ के अंदर क्या होगा, लेंथ बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। जैसे मैं इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स हटाता हूँ तो अपने वो अपने ओरिजिनल शेप में आने का प्रयास करती है, लेकिन वो अपनी जो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। रीजन तो वो प्लास्टिक जो रॉड है वो ऑलरेडी प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो इधर इसके अंदर जो, जब अपन टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो रॉड के अंदर इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, तो इंटरनल फोर्सेस क्या, उसकी लेंथ को बढ़ने से रोकते हैं। तो इसके कारण से जब मैं टेंसाइल फोर्स उसके ऊपर हटाता हूँ तो इंटरनल स्ट्रेसेस होती है, उस कारण से उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होती है, दोनों ही बढ़ जाती है। तो इस जो इस प्रोसेस को कहते हैं अपन स्ट्रेंथ हार्डनिंग, ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रेंथ हार्डनिंग। नेक्स्ट है अपना रिकवरी। रिकवरी क्या है, कोई भी मेटल है मैं उसको गर्म करता हूँ, ठीक है। तो लो टेम्परेचर फिनोमेनन के ऊपर मैं उसको गर्म करता हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जो जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जैसे मैंने किसी रॉड को गर्म किया, उस रॉड को जैसे ही गर्म करता हूँ तो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस थी, या फिर कह सकता हूँ उसके अंदर जो जो क्रिस्टल की या फिर ग्रेन साइज थी, उसके अंदर चेंजेस थे, तो वो अपनी क्या है, ओरिजिनल शेप में आने आ जाती है। मतलब कह सकते हैं कि रिस्टोर ऑफ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ जाती है। और इसके अंदर जो मैं इसको नॉर्मली जो लो टेम्परेचर के ऊपर गर्म करूंगा तो उसकी क्या होती है, जो हार्डनेस है उसको कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर से रेपिडली क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मैं किसी मेटल को गर्म करता हूँ तो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है अपना रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट अपना रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, कोई भी जो कह सकते हैं जिसके पास रॉड है उसके अंदर कोई भी जो ग्रेन साइज है उनके अंदर क्या होता है, आपस में अलाइनमेंट सही होने के सही नहीं होता, तो उसके अंदर जो क्या होते हैं वो अपने आपस में क्या होते हैं, उसको गर्म करता हूँ तो वो अपने आप में रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब इसको समझने के लिए जैसे इसमें लिखा है रिस्टोर्ड ग्रेन आर रिप्लेस बाय न्यू ग्रेन। जैसे मैंने ये कोई रॉड है, इस रॉड को गर्म किया, रॉड को गर्म करने पर उसके अंदर जो इसकी जो कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर अदर कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो इसकी जो डिज़ाइन है, ठीक है, उस डिज़ाइन में चेंजेज है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, हीट देता हूँ। तो हीट देने के बाद में क्या होगा, जहाँ पे उसका बॉडी कहीं से ऊपरी रहेगी, कहीं से कम रहेगी, या फिर उसके जो कह सकते हैं भाई टेक्निकल टर्म्स के अंदर जो ग्रेन की साइज होगी, साइज होती है, वो क्या होती है, एक जगह नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो ग्रेन साइज को एक जगह सेटल नहीं होने के कारण उसको अपन क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब उसको एक टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म करते हैं,
तो वो क्या होता है, उसके जो ग्रेन ग्रेन होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो वापस रिप्लेस होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके तीन स्टेप होते हैं। जैसे मैंने आपको ये पहले बताया है कि जैसे इसको गर्म करते हैं, कोई भी रॉड है उसके अंदर जो उसकी ग्रेन साइज है वो क्या रहती है, ये देखो जो ग्रेन है वो क्या है, एक सही स्थिति में नहीं है, मतलब अपने ओरिजिनल शेप में नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई डैमेज है। उसको मैं टेम्परेचर पर गर्म करूँगा तो वो उसको, जैसे एक लोहार होता है कैसे किसी मेटल को पीटते गर्म करके पीटता है तो उसके शेप में क्या होते हैं, चेंजेज आते हैं। उसी तरीके से इस टेम्परेचर के ऊपर भी अपन इसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो ग्रेन की साइजेज हैं, जो ग्रेन की जो स्थितियाँ हैं वो सही नहीं होने के कारण उसकी जो जो मेटल होगा उसकी डिजाइन में चेंजेज होंगे। तो इस तरीके से अपन गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो करने पर जो इसके अंदर जो डिफेक्ट ग्रेन्स है बड़े हैं वो अपनी क्या होंगे, वो रिप्लेस होना शुरू होते हैं। तो इसमें जो जब मैं इसको गर्म करता हूँ, जब जो ओल्ड ग्रेन होते हैं उसकी जगह नए ग्रेन आने शुरू होते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। ठीक है, तो जैसे मैं किसी रोड को गर्म करता हूँ, जो उसके अंदर जो ग्रेन है, जो ओल्ड ग्रेन पड़े हैं वो क्या होते हैं, रिप्लेस होना शुरू होते हैं। तो उस तरह के जो न्यू ग्रेन आने शुरू होते हैं उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। और दूसरा स्टेप होता है प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ। प्राइमरी ग्रेन ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जो ग्रेन की जो पहले जो साइज थी उसी ग्रेन की जो पोजीशन थी उसी पोजीशन में दूसरे जो आउटर ग्रेन है वो आने का प्रयास करते हैं, अपनी पोजीशन लेना शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेन। और थर्ड रहता है अपना सेकेंडरी ग्रेन। सेकेंडरी ग्रेन के अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर जो ऑलरेडी जो ग्रेन अपनी जो पोजीशन में आ चुके हैं वो अपनी साइज में क्या करते हैं, अपनी साइज को बढ़ाना शुरू करते हैं, उसकी साइज बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस तरह की जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं ग्रेन सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है ग्रेन ग्रोथ होती क्या है। ग्रेन ग्रोथ क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर कह सकते हैं या मेटल है रोड है उसके अंदर जो उनकी ग्रेन साइज के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होती है, मतलब उनकी ग्रेन साइज क्या बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके कारण से क्या होता है, इसकी जो हार्डनेस है वो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होना शुरू, मतलब डिक्रीज होना शुरू होती है। और डक्टाइल जो डक्टिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ना शुरू होती है। जैसे मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को मैंने एक टेम्परेचर पर गर्म करता हूँ, पिछले एक टेम्परेचर पर गर्म किया तो जैसे अपने उसकी जो सेकेंडरी ग्रेन ग्रोथ पड़ी थी उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या हुआ कि मैं टेम्परेचर गर्म करता हूँ तो जो उसके ग्रेन साइज है वो क्या होते हैं, एक तरफ से बढ़ने शुरू होते हैं। तो इसके कारण से जो उसकी पोजिशन होती है या फिर कहते हैं कि उसकी साइज जो बढ़ना है उसको बोलते हैं ग्रेन ग्रोथ। इस तरीके से ये अपना जो टॉपिक है इस यूनिट का ये यहाँ पे होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे पोर्ट वर्क है, कोल्ड वर्क। पोर्ट वर्क या कोल्ड वर्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हॉट वर्क के अंदर देखेंगे कि भाई क्या जो ये हॉट वर्क होता है वो क्या होता है, वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जो होता है उसके ऊपर किया जाता है। इनके अंदर जो प्रॉपर्टी और माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते किसी भी मेटल के ऊपर। और इसके साथ साथ में जो ये जो प्रोसीजर होता है ये कोल्ड वर्किंग होती है उसके बाद में किया जाता है। और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डिफॉर्म थ्रू स्ट्रेस, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रेस के द्वारा कोई भी बहुत ही कम मात्रा में जो एनर्जी है वो डिफॉर्म होती है, मतलब वेस्ट जाती है। इसमें 100% जो एनर्जी यूज फॉर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसके अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जो होता है ये 100% रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो इसकी हार्ड कह सकते हैं तो इसके अंदर जो हार्डनिंग है वो बहुत ही कम इफेक्ट डालती है और इसके अंदर जो स्ट्रेसेस है वो सारी निकल जाती है। ठीक है, और जो है इवन लास्टिंग डिफेक्ट, इसके अंदर जो कोई भी मेटल होता है उसके अंदर कोई ना कोई पिन होल्स या फिर अलग अलग टाइप के होल्स अगर रह जाते हैं तो उसके वो भी है जो हॉट वर्किंग रहेंगे उसके थ्रू ये जो इस पिन होल्स वगैरह होते हैं वो भी स्टिल जो है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो डक्टिलिटी है और जो टफनेस है वो क्या होती है, इसका हॉट वर्क के कारण इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब उसके अंदर बढ़ती है। ठीक है, ये अपना रहता है हॉट वर्क। और नेक्स्ट है अपना कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क के अंदर क्या रहेगा, कोल्ड वर्क का जो यह रहता है, यह जो प्रोसीजर होता है या
क्रिस्टलाइज जो टेम्परेचर था उससे कम टेम्परेचर के ऊपर की जाती है। इसके अंदर एनिलिंग के साथ हीट ट्रीटमेंट की भी क्या रहती है, रिक्वायर रहती है, ठीक है, एनिलिंग के समय। और डज नॉट रिमूव हॉट वर्क प्रोसेस, ठीक है, इसके अंदर हॉट वर्क का कोई भी प्रोसेस है वो इसके अंदर अपन इन्वॉल्व नहीं करते। और जब ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होता है, कोल्ड वर्क के बाद में किया जाता है, ठीक है। और ये जो इजी इसके जो डायमेंशन है वो इसको अपन क्या करते हैं, कोई मटेरियल के उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आता है मोर स्ट्रेस, इसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर रहती है, ठीक है। और हाई अमाउंट ऑफ क्यूसी एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो उसको काफ़ी कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। और इसकी जो कोस्ट होती है प्रोसेस की वो बहुत ही कम रहती है। और नो ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, जो मेटल है वो किसी के द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता, मतलब कोई बाहर की जो इन्वायरमेंट की है उसके द्वारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अपना जो स्टेप था, ये अपना जो मेटल साइंस के बारे में, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।